मैं जो है 4-5 लोगों को जो है मशरूम की खेती सिखाने के लिए जो है एक ट्रेनिंग में भेजा था। मशरूम की खेती बहुत आसान है, जमीन नहीं होने से भी कहीं भी जो है थोड़ा ऐसे ऐसे टेरेसिंग करके। वो राजेश नहीं आया क्या? और क्या हुआ, कुछ कर रहे हो? हाँ, उसका भी हम पता करेंगे, तुम भी पता कर देना। वो हाँ, इसके साथ मशरूम की खेती सिखाने के लिए भेजा था, अगले दिन भाग गया। कितने थे तुम? 5 थे, ये अकेला रह गया, 4 भाग गया। हाँ, ऐसे बदमाश आदमी, पता नहीं कौन कौन था। अभी मुझे आएगा तो मेरा फिर पराचार करेगा। हाँ, उसके बाद एक दिन हमने उसके लिए भेजा था, क्या, मुर्गी पालन के लिए। उसमें जो है हमने बकरी पालन मुर्गी पालन का ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। अच्छी जगह, अच्छा खाना खिला के, अच्छा रहने का जगह दे के, मुर्गे पालन सिखा के, उसके बाद मुर्गा के बच्चा या बकरे के बच्चा देना था, 10-10, 5-5, 10-10 जितना भी देना है, ताकि वो पालन करे। फिर एक दिन किया, दूसरे दिन जो ये खेराती से सभी भाग गया। और मेरा बड़ा बेइज्जती किया, क्योंकि जहाँ हमने भेजा था ये ट्रेनिंग के लिए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके हमारे ये छोटे गाँव से जो है 5 लोगों को ले लो करके भेजा था, और वहाँ से भाग गया। ऐसे बदमाशी है, है ना? ऐसे करने वालों को फिर हम क्यों मतलब वो करेंगे, उनको क्यों ना हम लिस्ट से निकाल देंगे कि ठीक भाई आपने आप नहीं करना है तो मत करो, किनारे हो जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। जब हम आपको जो आपके अच्छाई के लिए जो भेज रहा है, मुर्गे पालन बकरी पालन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी सीखे आने में क्या बुराई है, एक अच्छी चीज सीखेगा आने वाले दिनों में। करो, एक बकरी पालो, 2 बकरी पालो, मुर्गे पालो, उसके अंडे जो खुद खाओ। यहाँ खेरा ये यहाँ वो सिलाई को सीखने का भी एक था। कितने लोगों का नाम आया सिलाई के लिए? 6 लोग का नाम आया। वो 6 लोग कौन है? यहाँ है तो हम सबको जानते हैं चेहरे से, जो इस गांव का नहीं उसको एकदम पहचानते हैं। वो गांव वाले नाराज है हमसे, बोलता है उधर ही देता है, हमको नहीं देता है। हम बोले हम इतना बड़ा आदमी नहीं है कि पूरे को दे दें ना। समझा के बुझा के टाइम से स्कूल बैठ के ऐसा करेगा ना, तो हम जो है जैसे जैसे बच्चों में क्षमता हो, अच्छे बच्चे हैं तो पढ़ने के जो है शौक है, पढ़ने के लायक है, उनको हम ऐसा ऐसा उठा के जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक ले जाए। भैया उसमें आप लोगों का सहायता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो कंबल देना, ये चावल थोड़ा सा, ये कुछ दिए, वो चावल जो दिया ना 15 दिन के बाद टट्टी बन के निकल जाएगा, है ना, कपड़े फट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। 80 भी जो है मकसद है। और ये आप, हाँ, ये अगर आप लोग जो है समझा के बुझा के टाइम से स्कूल बैठ के ऐसा करेगा ना, तो हम जो है जैसे जैसे बच्चों में क्षमता हो, अच्छे बच्चे हैं तो पढ़ने के जो है शौक है, पढ़ने के लायक है, उनको हम ऐसा ऐसा उठा के जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक ले जाए। भैया उसमें आप लोगों का सहायता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो कंबल देना, ये चावल थोड़ा सा, ये कुछ दिए, वो चावल जो दिया ना 15 दिन के बाद टट्टी बन के निकल जाएगा, है ना, कपड़े फट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। 80 भी जो है मकसद है। और ये आप, हाँ, ये अगर अच्छा टाइम चुनो ना, हो गया।